करीब करीब 3 से 4 महीना हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी एक्शन, कोई भी इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कंप्लेन आता है कि सर आज हमारा एक्सीडेंट हो गया, आज हमारा कोई फैमिली मेंबर गिर चुका है। ये जो एक तरह से डेंजरस एक्सीडेंट पॉइंट बनते जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आती सरकार क्या कब इन सब चीज़ों को लेकर के जागेगी। जब लोगों की जाने चली जाएगी, जब लोग सड़कों पर उतरेंगे आम पब्लिक, तब क्या जाकर के वो लोग जागेगी और इन सब चीज़ों को काम करेगी। सरकारें हम लोग क्यों चुनते हैं, हमारी जब बेसिक सुविधाएं अगर हमें नहीं मिलती है तो उस पर अगर सवाल ना उठाए जाए तो क्या किया जाए। रास्ते की हालत देखिए आप, देखिए ये पूरा रास्ता जो है रामनगर मोड़, ये पूरा गार्डन रिच को ये रास्ता कनेक्ट करता है, पूरा रास्ता खराब है। ये देखिए गाड़ियां उस तरफ से एक रूट से लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जो गाड़ियां हैं एक रूट से जा रही है। बहुत तकलीफ होता है दादा, यहाँ पे खाली यहाँ पे 4-5 एक्सीडेंट हो गया है। क्या भाई कितना दिन से ऐसा हो रहा है? ये 4-5 महीना से लगा हुआ है। 6 महीना से कितना गाड़ी एक्सीडेंट होता है, कितना छोटा छोटा आदमी साइकिल में गिर जाता है। यही रहते आप? यही रहते हैं ना? यही रहते हैं, यही रहते हैं। और कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है? बहुत गाड़ी, 2-3 2-3 गाड़ी। रोड आज से खराब है, बनाता नहीं है जल्दी, बहुत दिन से पानी चल रहा। कितना दिन से बंद है? कम से कम 5-7-8 महीना से। इतना महीने से खराब है और कुछ इस तरीके का कोई एक्शन नहीं? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 3 महीना हो गया, कोई एक्शन कुछ नहीं। कोई एक्शन है, मीनार साहब दिन आए थे, सब देखे हैं। देखने के बाद में पब्लिक को, गाड़ी वाले लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, समझे? हो सके कोई ऐसा घटना हो जाए। बहुत तकलीफ है, एक्सीडेंट होने का ज्यादा डर रहता है, दोनों एक साइड से रास्ता जा रहे तो बहुत आने जाने में तकलीफ होता है भैया। गाड़ी रास्ता बहुत ज्यादा तकलीफ। कई महीनों से प्रॉब्लम हो रहा है, ये इलेक्शन के काफी एक महीना पहले से ऐसा। ये देखिए ये गड्ढा देखिए, मैं इस गड्ढे के अंदर आ गया हूँ। कितना गड्ढा है आप देखिए। सर आपके साथ हम 18 तारीख को यहाँ से गुजर रहे थे, पूरे गड्ढे में बारिश का पानी भरा था, मैं स्लिप खा के गिर गया, पूरा इंजर्ड हो गया हाथ पैर। ये देखिए आप, देखिए ये साहब जो है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज है, अयाज अहमद, खिदिरपुर में रहता हूँ। हाथ दिखाइए थोड़ा। ये देखिए हाथ में इनका ये इंजरी हो चुका था 18 तारीख के दिन, और ये पैरों में भी काफी जबरदस्त चोटें आई है। आज मैं आया हूँ तो आज भी यही हाल है यहाँ लाल बाजार में। कंप्लेन किया, पुलिस को कंप्लेन किया, बोले हम डेली कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। डेली तो हम लोग आना जाना, गड्ढे के बारे में क्या कह चाहिए? गड्ढा ऐसा है कि इसमें कितने लोग आज कई सालों से इस गड्ढे की वजह से बहुत लोग का एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जो भी सरकार प्लीज इस गड्ढे को बनाए ताकि हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। आप खुद ही देख सकते हैं ये सारा गड्ढा, जो गड्ढा इस गड्ढे की वजह से आज कितने मासूमों की जो जान जा रही है, रास्ते में कितनी ये बड़ी बड़ी गाड़ी की वजह से हम लोग को भी आने जाने में दिक्कत होता है। बारिश में जब पानी जम जाता है तो दिखाई नहीं देता होगा? बिल्कुल एकदम दिखाई नहीं देता हम लोग को, एक जरा हम लोग को दिखाई नहीं देता, पानी पूरा जम जाता है जी, होते ही रहता है। आज हम लोग का जो गाड़ी का ये कंडीशन हाल है ये गड्ढों की वजह से थी। गड्ढा जो है रास्ता में, हर गड्ढा का साइज कम से कम 6 फुट बाई 6 फुट है, डीप 2 फीट है। इसमें बाइक वाला और स्कूटी और इन लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्कूटी का चक्का छोटा होता है, वो तो फौरन स्किट खाएगा, और बाइक वाले लोगों के लिए भी बहुत परेशान है। जब जब चुनाव सामने आती है अलग अलग सियासी पार्टियां जनता को लुभाने अपने अपने अलग अलग वादों के साथ पहुंच जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या वो नेता सामने नजर आते हैं? गार्डन रिच मुटिया ब्रिज एक घनी आबादी वाले इलाके जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने बसाया, आज उसी नवाब वाजिद अली शाह की बसाई हुई बस्तियों में रहने वाले लोग अच्छे सड़क के लिए मोहताज हैं, अच्छी बेसिक सुविधाओं से मोहताज हैं। कौन देगा इस सवाल का जवाब? क्या है हमारे सत्ताधारी नेताओं के पास इस सवाल का जवाब? पूछती है जनता और पूछता है टीएलजी।